अरे यार भरा ठीक है ये यार सब रोड माथे आ रहा है एक हाल थे नहीं बैठो के गर्मी भाई लड़की है रोटे बना ला या या हथियार ले दरवाजा और हाल गिना दरवाजा बना दिया हाल गिना सी ना टुकड़ा कितना गया देखो अच्छा जी रास्ता सस्ता लुती बड़े धमकी दे के हो गया मीडिया मीडिया में कहीं बात वो ने वो बोले यार मोने चुपचाप रखे मन सोनाराम का थे चुपचाप जान बाहर बैठ जाओ क्या पहले ही होने वाला मैं साहब मौका है कागज है यो ने कहीं प्रूफ रास्ते सस्ते होती है बढ़िया थोड़ा एक ये भोंगे आ जाए तो हम भोंगी ना ना घी है घी ढोल में घी एक बार घी घी है ये मत रखे हां घी ये मोर दादी जी रात हो गए ए कुमट ना सर ये दर्द लग रहा है नहीं हांजी बाइक लेने रोके बाड़वीर परिवार रात टाइम आया जो मोरे ढोने पटकी गया कौन लोग पेमाराम लड़को एक तो अपने दलपत एक अपने पेमारो भाई पद्माराम नुकसान तो लाखों रिपेयर की पार ही कोई नहीं आप देख लो ये 26 तो सीणो तोड़ दिए मकान मोरा बनोड़ था मोसा भाई रहा वो तोड़ दिया टोंको तोड़ दियो स्कूटी दी नोक दी मैंने डम था मोसा था तोड़ दिया मामला दर्ज कराया पुलिस आई थी हाँ पुलिस आई थी ठीक है पुलिस की करी पुलिस आज 3 दिनों में आज आई है खाली बड़े आई थी मौको सही गई थी खाली देखने बात है गई है ढोड़े दौड़िया कहीं दौड़े आज हमें साहब मिल जाता देखो आया आए ने मौको मुआवजो करे रिपोर्ट करे जो इंतजार किया नाम शरण कुमार है क्या हुआ आज हम यहाँ से बाड़मेर गए हुए थे हमारे घर पे जागरण थी पूरा परिवार वहीं पे जाना था उस दिन अर्जेंट था बाकी हम सब जने यहीं पे रहते हैं रेवासी डाणी दूसरे सब हमारे यहीं पे है हम यहाँ से गए तब हमारे दूसरे विपक्ष की पार्टी वाले हैं पेमाराम और उसका भाई देवाराम पद्माराम खेताराम पेमाराम का लड़का दलपत 40-25 जने आए और यहाँ पर आके हमला किया हम कोई यहाँ पर थे नहीं वरना हमारे जान को मारने की धमकियां भी दी हुई है हमारे पास वीडियो दूसरे सारे पड़े हैं उनके ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पड़ी है उन्हें हम यहाँ पर मौजूदगी में होते हैं तो ये बड़ा हादसा हो सकता था हम यहाँ से थे नहीं वहाँ पर गए हुए थे तो उन्होंने क्या किया क्या तोड़फोड़ की उन्होंने ये वाले हमारे 5 बनी हुई मेरी मेरे चाचा की मेरे ताऊजी की सबकी ढाणिया थी वो तोड़ दी और टाके तोड़ दिए गाड़ियां तोड़ दी मंदिर तोड़ दिए दरवाजे थे जो नाले के अंदर डाल दिए हमारे आने जाने का रास्ता था नाले के ऊपर वो चीणे लगाई थी बड़ी मुश्किल से वो भी लगाई थी वो भी तोड़ दी सारी पुलिस में मामला दर्ज कराया आज 3 दिन वहीं पे बैठे थे आज कल एक जने को भेजा था वो देख के गया कि वास्तव में सीआई साहब ने बोला कि देख के आओ कि मामला क्या है तब एक जना आया देख के गया कि हाँ कि मामला ये वाला है उनको भरोसा भी नहीं था कि ये तोड़ी है या नहीं तोड़ी है
उससे पहले पेमाराम वहीं पे था, सारी मिली भगत से काम हुआ ये वाला। उसने अभी भी आया था पेमाराम और खुली धमकी देके गया कि ये वाली अभी तक और हम तोड़ेंगे, और यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में भी बोला था कि हम तोड़ेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार ब्यूरो में लगा हुआ है, साहब की गाड़ी चलाता है, पुलिस में चलती है उसकी, सब कुछ होता है, इसी वजह से अधिकारी होने के कारण हमको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। ठीक है, मामला है आज यहाँ पर मौके पर आए हमारे समाज के कथा की भेंट है, जिसमें इनकी गलियों द्वारा वो अपना हक बता रहे हैं। उन्होंने अपना मान के कल दो दिन पहले इनके खेत में बने हुए ईंटों के ओरे वगैरह तोड़ दिए हैं, इन्होंने इन्होंने तोड़ फोड़ के उन्होंने दर्द करवाया है, इनमें दर्द हो गया है। जीमनो जीमनो सर, क्या आरोप लगाया है इनके, तोड़ फोड़ किया मोटरसाइकिल? उन्होंने सरकारा में आरोप लगाया कि मेरा पटा कुछ खेत है, जिसमें मेरे खेत में इनको जो ओढ़े वगैरह बने हुए हैं उनको उन्होंने तोड़ फोड़ का आरोप है, मेरे खेत में मैंने लोगों को तोड़ा। सर आप मौके पर आए, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? अभी मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा, पटवारी से इनका जमा मंदी वगैरह लाऊँगा, मालूम पड़ेगा वास्तव में खेत किसका है। तोड़ फोड़ हुई, तोड़ फोड़ की गई है, ये बात सही है, लेकिन किसने की है, क्यों की है, वो सब कुछ लगती है।